तो तू ना गाएगा है? देखिए सेठ जी, हम नहीं गाएंगे, हमारी गायकी बिकाऊ नहीं है। तो क्या अपनी आवाज को अपने गले में फंसा के रखेगा, पाल पोस के बड़ा करेगा उसको? जी जी, आप सोच के देखो। अरे पापा की बदौलत ना पूरा चांदनी चौक आपकी आवाज सुनेगा। अरे पब्लिसिटी हो जाएगी, फ्री की, मुफ्त की पब्लिसिटी होगी पूरे चांदनी चौक में। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। इलायची जी, हमें बेवकूफ मत समझिए, हमें सब समझ में आता है। सबको तो यही लगेगा ना कि सेठ जी ने गाना गाया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गली के कुत्ते बिल्लियों तक को सबको पता है कि इलायची के पापा कितने बेसुरे हैं। जो भी है। अच्छा तू बड़ी जो है, सेल्फी। तू बड़ी जो है, सेल्फी। तू बड़ी जो है, सेल्फी। तू जो, तू तू बड़ी दाम चल की औलाद हो रखी है बस। इलायची के पापा, देखो मेरे खानदान वालों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे तो भाग ही फूट गए। रोले, किसी और को रोने का मौका मत दियो। झपट लेती है आंसू फौरन, खुद झपट लेती है। अरे रोने की स्थिति तो मेरी हो रखी है। तो ढक्कन सेठी पंचम। अबे पंचम, देख मैं किसी का एहसान ना लेता हूँ। चल मैं तेरा गाना 250 रुपए में ले रहा हूँ, चल जा। सेठ जी आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं? हमारी कला बिकाऊ नहीं है, और वो भी इतने कम पैसों में हम अपनी कला बेचेंगे 250 रुपए में? वाह, नहीं नहीं सेठ जी। अरे तो उधार दे दे अपना गाना, 250 रुपए में उधार दे दे। अच्छा मुझे वापस करना होगा तो वही गाना तेरे मुंह पे गा के तुझे वापस कर दूंगा। और तू 250 रुपए मेरे मुंह पे मार के मुझे वापस कर दियो। अरे क्या बोले जा रहे हो यार, मैं राय तो समझ रही हूँ, आप राय तो फैलाए जा रहे हो, चुप कर लो यार। बुबू हम जे कह रहे हैं कि मान लो बात, अब सेठ जी कह रहे हैं तो मान लो। कहा कि सेठ जी बेचारे कितने बुजुर्ग हैं ना, मेरा मतलब कि सेठ जी ना बड़े हैं, हम सब में बड़े हैं, बड़े कह रहे हैं तो बड़े की बात मान लो। देखो बुबू तुम चुप करो। देखिए सेठ जी, हम गाना नहीं गा सकते, हम आपको आखिरी बार बता रहे, नहीं गा सकते। तो आप भी हमारी दुकान पे काम नहीं कर पाएंगे। मैं अभी आपको इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ, और आप भी कर रहे हो, इज्जत के साथ निकाल रहे हो तुझे। ठीक है सेठ जी, हमें भी कोई शौक नहीं है, जहाँ पे हमारे संगीत का मोल भाव किया जाए ना, हमें भी वहां पे काम करने की कोई इच्छा नहीं। कोई बात नहीं, हमें नहीं करना आपके यहाँ पे काम। अरे वो सेंटी जीजा जी, इतना सेंटी मत हो यार, पिंटू भाभी लेके जाओ, छुप लेके जाओ इन्हें। हाँ मैं अभी इनको ठोक पीट के मनाती हूँ, मतलब समझा बुझा के मनाती हूँ। चलो चलो, धन्यवाद, हमें भी जाना ही है। चलो चलो, अरे हाँ आ जाओ बुबू, चलो। मेरी ये समझ में ना आ रहा है कि तू मेरी बेटी। इलू सेल्फी। तू मेरी बेटी है या इसकी बेटी है, तो समझ ना आ रहा मुझे। आप ही की बेटी हो पापा, लेकिन थोड़ा वक्त दो, टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगी ना जीजा जी को। और यार जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, तो डब्बा उल्टा कर देना चाहिए, लुढ़ेल देना चाहिए ऐसे, ठीक है? हाँ और इलायची कैसी है? अरे सेठ जी लो, आ गई तुम्हारी किस्मत की टेढ़ी लकीर, मतलब तुम्हारी पनौती आ रही है, देख लो। हेलो, हाँ। अरे यार मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि बंगाली मार्केट के हमें चमचम खिलवा दे, तुम्हारी नौकरी पक्की चिड़िया घर में, और साथ में दे दो हमें तुम 20,000 रुपये नगद, समझ गए? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार मेरे तुम। हाँ अरे कुछ ना करना है तुम्हें शेर को, बस जो है तुम्हें खाना खिलाना अपने हाथों से, बड़ा लाडला है वो अपने मालिक का, है खिला दोगे? अरे हेलो हेलो लिया काट दिया अपने, बता शेर का नाम सुनते ही डर गया। और कैसा है तू सेठ जी? हाँ मुझे कह रही हूँ, जब तुमने सेठानी से शादी की थी ये दहेज में आया था क्या? चुप रह। और भैया छटंगी, आजकल तो आपके तेवर ही बदले बदले हैं, दूसरों को नौकरी दिला रहे हो। देख छोटे ऐसा है, मैं उनमें से ना हूँ जो दूसरे की काबिलियत से जले, समझे, उनके काम के मौके छीनू। बहुत बेइज्जती हो चुकी है हमारी यहाँ पर, समझ गए, इज्जत ना हमारी, लोग समझते ही ना हमें, हमें नौकरी मिल गई आराम से कर रहे हैं।
एक मिनट, अरे साले साहब क्या है यार, आप भी इधर आओ, एक मिनट इधर आओ। हाँ बोलो। इधर तो, अरे इधर तो आओ। क्या बात है बोलो। अरे क्या बात है ये, ऐसे कैसे तुम सोच रहे हो यार, ऐसा तू दिल कमजोर कर रहे हो अपना। अरे तू तो हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ, जो हमेशा अपने हिस्से की ताक में रहता है। ओ छोटे, तुझसे कितनी बार हमने कहा कि तू हमसे बदतमीजी मत करा कर। छटंकी की एक टाइम में एक ही बेइज्जती कर सकता है, वो कर सकता है हमारा जीजा। तू मत बोला कर, तुझसे बात नहीं करते हम। मेरा नंबर कब आएगा? तेरा नंबर आएगा ही नहीं। अरे रुक जा छोटे, सुन तो, वो गाने का इंतजाम तो हो गया मेरा। अच्छा है ना, बस तू एक काम कर, एक शेर का इंतजाम कर दे बस। अरे यार जगराते में तो बेटे चलते हैं, शेर कौन सुनेगा वहाँ पे। अबे शायरी वाले शेर की बात ना कर रहा हूँ। हाँ तो वो चिड़ियाघर वाले शेर की बात कर रहा हूँ। वो तेरा जो दोस्त है ना, तू कह रहा दोस्त क्या, मालिक तेरा दोस्त है, वो चिड़ियाघर दे, एक शेर का इंतजाम कर देना। तुम तो यार ऐसे कह रहे हो कि उस मालिक ने जो है भेड़ बकरी की तरह शेर पाला हुआ और मैं तुझका दूध निकाल रहा हूँ। यार मेरे शेर है वो, छटंकी की तरह शेर, ऐसे थोड़ा पकड़ के ले आऊंगा। अरे कैसी बात है, तुम तो यार शेर है वो। ठीक है रहने दे, मैं कहीं और बात कर लूंगा, चल। अरे मैं ये थोड़ा कर रहा हूँ, तुम दूसरी जगह बात कर लो। तुम्हारा इंतजाम हम करवा देंगे, हमारे लिए तुम 10,000 रुपए का इंतजाम करवा दो, काम कर देंगे तुम्हारे छटंकी। वो टेंशन ना, काम तुम्हारा 2 मिनटों में हो जाएगा। 10,000 रुपए का भैया तुम इंतजाम कर दो, हम तुम्हारा काम करवा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, छटंकी हर काम कर सकता है भाई। शेर, शेर। अरे ओ, ओ भैया शंभू शिकारी, अरे बात तो इधर आया यार मेरे, कहाँ जा रहे हो? यहाँ यार, यहाँ बैठो हमारे पास। क्या शेर के लिए राजकचौरी लेके जा रहा है चांदनी चौक से, क्या बात हो गई? अरे वो जीजा, ये शंभू शिकारी है, शेर के पिंजरे का बहुत ध्यान रखता है, 2 मिनट भी शेर को अपनी नजरों से दूर ना होने देता है, इतना डेंजर आदमी है ये। उसी शेर को तो ही ढूंढ रहा हूँ, पूरे 2 मिनट हुए, पिंजरा टाप के भाग लिया है, वो कहीं भी हो सकता है शेर। अच्छा मैं चलता हूँ। शेर, शेर, शेर कहाँ गया? शेर, शेर कहाँ गया? शेर, शेर भाग गया, शेर भाग गया, शेर भाग गया। जीजाजी, जीजाजी शेर भाग गया, मुझे बैठा ले जा। सुन तो, सुन तो छटंकी। हाँ यार, अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है, तुम्हारे साथ में है ना छटंकी शेर। कोई बात होगी, कोई टेंशन होगी, शेर मैं बन जाऊंगा, और ऐसा शेर बनूंगा कभी आज तक कोई बना ही ना होगा, कोई कोई ना पहचान पाएगा। जीजा तुम्हारी कसम, इतने बेहतरीन शेर बनेंगे हम। आ जाओ आराम से, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलिए लैची जी, सुनीता जी, हम चलते हैं। आप ठीक है, पहले मैं रेडी हो जाऊं, फिर चलते हैं। चलिए लैची जी, हम अपने जाने की बात कर रहे हैं। चलिए ओके, टाटा बाय। देखिए लैची जी, हमें भी कोई शौक नहीं है इस घर को और छत को छोड़ के जाने का, लेकिन अब हम क्या करें, हम अपने गाने की बोली नहीं लगा सकते, मतलब नहीं लगा सकते। अरे यार, तो एक इंस्टॉलमेंट में दे दो ना यार, मतलब टंटे ही खत्म। हाँ लैची जी, टंटे बिकाऊ नहीं है। ओ माय गॉड, इलायची जल्दी आ। अरे रे मम्मी, हो मम्मी क्यों चिल्ला रही, चलो चलो देखने चलते हो, क्या पता नहीं क्या हो, चलो चलो भाई सब चलो देखने चलो। आंटी, आंटी क्या, चलो 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 क्या, हां चलो, छोड़ो अंदर आओ, आंटी चिल्ला रही। इलायची के पापा, इलायची के पापा, दरवाजा खोलो, इलायची के पापा, इलायची, इलायची जल्दी आ, खोलो ना दरवाजा। अरे क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ आंटी जी? देखना इलायची, इलायची के पापा वो अंदर से दरवाजा बंद कर लिए और जहर खा रहे, मेरे तो भागे फूट गए। हे भगवान, पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, पापा प्लीज। अरे दरवाजा खोल के कोई आत्महत्या ना करता है, मैं दरवाजा ना खोलूंगा। इलायची का पापा दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। आंटी चुप रह, एक और खर्चा बढ़ा देगी मेरा, तोड़ दूंगी। अंकल जी, जाने से पहले एक आखिरी सेल्फी तो लेते जाइए। पापा प्लीज जान मत दीजिए ना, मैं पक्का इस बार पास होके दिखाऊंगी, प्लीज। अरे इलायची, तेरे फेल होने के सदमे की तो आदत सी हो गई है, इसलिए ना मर रहा हूँ। हाय हाय, तो फिर सेठ जी आप दरवाजा खोलिए, हम आपको इस तरह जाने लेने दे सकते अपनी। तो क्या यमराज हो रखा है जो बताएगा मुझे कैसे मरना है? इसमें भी कोई नई स्कीम चल रही है? अरे सुनो,
मैं बता रहा हूं, इससे पहले कि चांदनी चौक में मेरी इज्जत फालूदा के भाव बिके, मैं अपनी जान दे दूंगा। इलायची की माँ अपना ख्याल रखियो। अरे वैसे तेरा ख्याल कोई कैसा रखवाएगा, तू है इतनी भारी, तेरा बोझ कौन उठाएगा? देखो कैसे हो, जाते जाते भी ताना मार के जा रहे हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी। पापा बाय, सेफ जर्नी। अरे इलायची जी, आप क्या बोल रही हैं? हमारा मतलब ये कि आप क्या बोल रही हैं इलायची जी, वो कोई दिल्ली से गुड़गांव नहीं जा रहे हैं जो आप उन्हें बोल रही सेफ जर्नी। नहीं सेठ जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंकल जी आते जाते रहिएगा प्लीज, ठीक है? अरे सुनीता जी, सुनीता जी कैसी बात कर रही हैं आप ये? मैं चला। कौन सा खाना खाएगा राशन? सेठ जी पंचम, अब ऐसा कभी मत करिएगा सेठ जी। थैंक यू चीजा जी, मतलब आपने बहुत ही महान टाइप्स काम किया है, और गाना वो तो मैं ही बताऊंगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं इनकी। टंटे अब फंस चुके हैं। ओह माय गॉड। अरे सुन, ये मैं बेकार खरीद के लाया, इसका कोई काम ही ना रहा, पैसे खर्च हो गए। चले काम करे, राज्य का तू भी ले। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे अखबार में निकला है तो पढ़ ले ना, मुझे क्यों सुना रही है, बात कर रहा है बेकार की जात। अरे मौजा जी कैसे हैं? अरे बस वैसे ही टेढ़े के टेढ़े, लेकिन सेठ जी आजकल आपकी बहुत ताजा खबर आ रही है। हाँ, इसमें लिखा है कि जगराते में अगर आपके गाने पर शेर नहीं आया तो आप चांदनी चौक छोड़कर चूहा बन के चले जाओगे। कहाँ लिखा है ऐसा, कहाँ लिखा है ऐसा? अरे लिखा तो नहीं है सेठ जी, लेकिन एक बात बताओ है, इतनी बेइज्जती होने के बाद आप क्या चौड़े होके जाओगे? अरे शुभ शुभ बातें करो मौसा जी, है हौसला बढ़ाओ ना मेरा। अरे वो तो हौसला तो हम बहुत बढ़िया से बढ़ाते हैं। वैसे सेठ जी एक बात बताओ, आपके पीछे से ये दुकान का और आपके घर का क्या होगा, कुछ सोचा आपने? मौसा जी फिर उतर आए, फिर उतर जाए उसी बात पे, उतर जाए फिर से मनुष्य बातें कर रहे हो आप। सेठ जी वो तो मैं वैसे ही पूछ रहा था, क्या है कि मेरा प्रॉपर्टी डीलर का भी काम है ना, और वैसे सेठ जी यहाँ से निकलने के बाद आपको रहने के लिए कहीं छत बचेगी या फिर कहीं भी कटोरा लेके सड़क पर सो जाओगे? मौसा जी क्या बात कर रहे हो आप, बेकार की बात कर रहे हो एकदम। अगर छोटे के मौसा ना होते ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं मौसा का दोसा बना देता, और यही सड़क पे एकदम फैले हुए मिलते मुझे। बात कर रहे हो बेकार की। कौन फैल रही है सड़क पे सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे इधर। अरे क्या बात है दोनों का जी, है ये सुबह सुबह पालक काट रहे हो, खून की कमी हो गई क्या? क्या बताऊं सेठ जी, बहुत दौड़ भाग वाला काम हो रहा है पिंकी जी का, खून की कमी तो होगी आपको पता है, दौड़ दौड़ के जाके सब्जी मंडी से ताजा सब्जियां लेके आनी पड़ती हैं, और भागते भागते पिंकी जी स्वेटर बुनते, तो भाई हालत तो खराब हो जाती है पिंकी जी की। अबे तेरी हालत खराब होती तो खुशी से मैं फटाके ना फोड़ रहा होता, मलेरिया के मच्छर। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ पे ना दवाई डलवानी पड़ेगी, मलेरिया के मच्छर है ना। ना मंगी जी, मैं क्या बोल रहा हूँ मंगीलाल, देख क्या है ना, ये जो तेरी आदत है ना लुगाइयों की तरह पिंकी जी की चिंता करने की, ये छोड़ दे तू, तो छोड़ दे वरना लोग गलत समझ लेंगे यार, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या है? है कोई कमसिन कली ना हो रखे पिंकी जी,
जो इस तरह से ताड़ रहे हो। पुलिस वाले को घूरने का मतलब पता है? एक बोतल है? दो बोतल हो गई है। एक बोतल पिछले साल थी, पिछले साल। बहुत बुरी खबर है आपके लिए। क्या मतलब? वो 3 लीटर दूध बॉयल होने छोड़ के वो फट जाएगा ऐसा तो नहीं बोल रहे आप? उससे भी बुरी खबर है। उससे भी बुरी? आपको शेर खाने वाला है। शेर? शेर? क्या आप क्या बकवास कर रही हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपकी चेहरे की रेखाएं साफ साफ बता रही है कि शेर का प्रकोप है आपके ऊपर। कहीं से भी निकल के आएगा, खा लेगा। शेर खा जाएगा बोल रहे? कहीं से भी निकल। अरे चल रे मंगी। मंगी लाल जी सर, तू थाने जा, पिंकी जी बाद में आएंगे। तू यहाँ घास लेगा साले? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि ये पालक भी छीलना था ना, मतलब काटना था ना। हाँ मंगीलाल, वही बोल रहे पिंकी जी। तू तू थाने जा और वहां जाके पालक छील। तू मुझे क्यों छील रही है? तू जा, मैं आ रही हूँ। जी जी जी। ये ले जा साथ में, ये भी ले जा। जी जा जा, कुछ करता हूँ, क्या करूँ। फोन लगाता हूँ। फोन नेताजी हेलो बोल रहे हैं। हमारी भी हेलो, पिंकी जी बोल रहे हैं। और नेताजी बोल रहे हैं हेलो हाय छोड़ो, काम की बात करो। मतलब आप नेताजी से कहिए कि पिंकी जी शायद जगराते में ना आ पाएंगे। और नेताजी इतनी स्पीड से खांसोगे कैसे समझ आएगा यार, आप बात नहीं समझते। लेट मी मैनेज। और पिंकी जी, और नेताजी पूछ रहे तुम जगराते में क्यों नहीं आओगे भी? नेताजी की सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखेगा? अरे जनता तो गोली से लेकर चप्पल तक सब मारने के लिए तैयार बैठी उनको। वो आपकी सिक्योरिटी रीजन के लिए डरा रहा था जी उसको। हाँ तो चप्पल मारना तो आम बात है, आम बात है, गोली लगेगी। नहीं मेरा पिंकी जी कह रहे कि इस बार ना बहुत अर्जेंट हो रखा है यहाँ पे, मतलब मामा जी जो है ना पिंकी जी के, उनकी ना आंख आ गई है, आंख। हाँ नहीं नहीं ये नहीं बोलूंगा। नेताजी कह रहे हैं कि तुम्हारे तो मामा जी की आंखें आई हैं, तुम जगराते में नहीं आए ना तो तुम्हारी आंखें जाएंगी। नहीं लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थोड़ी हो रखी है यहाँ पे, यहाँ और भी प्रॉब्लम बहुत सारी है। मतलब वो जो चाची जी है पिंकी जी की, उनको बच्चा होने वाला। नेताजी इतनी गंदी गंदी बातें मत बोलो आया करो यार। इसमें नौकरी से निकालने वाली कौन सी बात होगी? हाँ जी आपकी फरमाइशें कौन पूरी करेगा? नेताजी कहना है कि तुमने बच्चे का दूध भी लाना है जो जगराते में नहीं आ सकते। नहीं दूध तो नहीं पिंकी जी पिलाते, लेकिन मतलब वो जो नानी जो है वो मर रही, उसका क्या करेंगे पिंकी जी है? यार तुम बकवास बंद करो। तुम्हें समझ में नहीं आता यार, नेताजी जी की सिक्योरिटी का सवाल है, फालतू बकवास कर रहे हो। उधर नेताजी वाही याद बातें मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं, जिनको बोल बोल के मेरे मुंह में सुन सुन के तुम्हारे कान में कीड़े पड़ेंगे। फोन रख दे, जगराते में आ जाना याद से। हेलो हेलो, फंस गए पिंकी, अब क्या करेंगे? अरे प्लग तो लगाया ही नहीं। ओ जी नेताजी पूछ रहे हैं कहाँ है वो परम सुरीले मुरारी सेठ। अभी आ रहे इलायची के पापा, बैठी बैठी है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सब ठीक है? जय माता दी, जय माता दी। सांचू। बोलो साचे दरबार की जय। वो शेर तो आया नहीं जी। शेर अंकल जी,
बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जगरा तो शुरू होने दीजिए। सेठ जी और इलायची कैसी है? देखिए जो भक्त जन यहाँ पे छछोरी हरकत करने आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो यहाँ से चुपचाप चले जाएं, वरना जगराता का गवैया तो मैं अभी हूँ, सुबह मेरी चप्पलें उनके सर पे पधारेंगी। तो अब माता का जगराता शुरू करते हैं। जय करा शेरा वालिदा। बोल तेरे दरबार की जय। जय माता दी। जी ऑल सेट। हमारे ख्याल से मतलब ठीक है, तो अपना अच्छा अच्छा गाना गाना अभी ढंग से वो कर लेना। हाँ डोंट वरी, मैं तो कमाल की हूँ वैसे भी। बाय लू रॉकेट, गुड लक चीचा जी। ओके। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।